दौसा विधानसभा सहित प्रदेश की कई विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर कमर कसकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और पुरजोर तरीके से चुनाव जीतने के लिए लगातार पार्टियां प्रयास भी कर रही हैं। इधर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे परिवार से कोई भी इस विधानसभा के उपचुनाव को नहीं लड़ने वाला है। दौसा विधानसभा सीट वैसे तो हमेशा सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ देश के वे दिग्गज नेता आकर चुनाव लड़ चुके हैं जिन्होंने दौसा को हमेशा हॉट सीट बनाकर रखा है, फिर चाहे वह सीट विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली यह सीट अति संवेदनशील सीट मानी जाती है और इसे इसी श्रेणी में रखा जाता है, और यही कारण है कि दौसा विधानसभा और लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। आप समझ लेते हैं कि दौसा विधानसभा से लोकसभा तक की क्या पूरी गणित है, क्या छोटी गणित है, उस पर बात करें तो दरअसल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से दौसा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने जीत दर्ज कर भाजपा के शंकर शर्मा को यहां से हराया था। और उधर जैसे ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही दौसा विधायक का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नाम सुर्खियों में आया और मुरारी लाल मीणा ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से सांसद का चुनाव लड़ा और जीता भी, क्योंकि मुरारी लाल मीणा विधायक से सांसद बन गए, इसलिए दौसा विधानसभा सीट एक बार फिर से खाली हो गई और अब उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस इस सीट को मूंछ का बाल बनाए हुए हैं, जिसके चलते चुनावों की तैयारियों में भाजपा किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ रही है, ना ही कांग्रेस किसी प्रकार से कोई कमी छोड़ना चाह रही है। कांग्रेस इन सब के बीच में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए इधर दौसा सांसद ने जी जान लगा रखी है, तो उधर भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में भी बूथ स्तर पर बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी यहाँ बूथ मीटिंग लगातार ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि मुरारी लाल मीणा दौसा सीट के लिए कह चुके हैं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दौसा विधानसभा उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेगा। बस यही चर्चाएं बाजार में प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो अपने आप को विधानसभा चुनाव के टिकट की दौड़ में मान रहे हैं, उसको टिकट मिलने की एक उम्मीद देती हुई नजर आ रही है। उधर भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा में भी ऐसे कम प्रत्याशी नहीं है जो अपने आप को इस सीट की दौड़ में और टिकट के पैनल में पहले स्थान पर देख रहे हैं। उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि टिकट उनकी फाइनल हो चुकी है, जिसके चलते वे 3 दिन दौसा विधानसभा के गांव-गांव और ढाणी ढाणी जाकर खुद के लिए जमीन तरासते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि इनमें से टिकट किसको मिलता है, जबकि अगर बात करें ये सब पार्टी स्तर पर फैसला होगा कि दौसा विधानसभा सामान्य सीट है या भाजपा का टिकट किसको मिलेगा और या कांग्रेस कोई नया चेहरा यहाँ से विधानसभा चुनावों के लिए उतारने वाली है या फिर बात कोई और है, ये सब टिकट की स्थिति साफ होने के बाद ही पता चल पाएगा। बहरीन, दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा के परिवार के इस विधानसभा उपचुनाव में कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 11 मंडल है और 11 मंडलों में आज हमारी 11वीं मीटिंग थी। सारे मंडल में मीटिंग हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि हर मंडल में कहीं 200-250 हमारे सारे कार्यकर्ता हुई, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। कार्यकर्ता बड़ा जोश है, हमने कार्यकर्ताओं को पुनर्गठन के लिए दिशा निर्देश दिए, हमने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के संबंध में जानकारी दी है, कार्यकर्ताओं के सुझाव भी हम लोगों ने लिए और मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश है, आने वाला विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि आपके परिवार से टिकट मिलेगा, नहीं तो फिर निर्दलीय भी खड़े होने के जिस पहले भी होते बाकी ऐसा है, निर्दलीय मेरे सामने भी खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े हुए हैं, ये जनता सब जानती है, जनता उसको वोट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट जीतेगा। तो क्या आप परिवार को टिकट देना चाहते हैं, किस तरीके की बात करते हैं? मैं देना चाहता था, बोल ही देता ना, रोक थोड़ रहा है मेरे को। मैं कह देता हाईकमान में मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं है लड़ने का, हम किसी और को लड़ाएंगे, जो पार्टी सहमत होगी, हमारे कार्यकर्ता सहमत होंगे, सबकी सलाह से काम किया जाएगा। जैसे जनरल सीट है तो जनरल टिकट मिलेगा, ऐसा STO SCO जनरल लो OBCO जिसपे सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता सहमत होंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे, नए हम कोई जाति पे जाएंगे और नए हम कोई ST SCO OBC पे जाएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता का आह्वान किया है कि वो आम नागरिक से संपर्क करके हमारी रीति नीति, हमारी पंच निष्ठाएँ ये उनको बताए, उनको समझाए और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए उनसे संपर्क करे, सदस्य बनाए।